बहुत दिन से काया बोल रही है कि उसे डोनट्स खाने हैं, तो मैं मार्केट जाके हल्दीराम वाला डोनट लाके दिया, तो मुझे ऐसा बोलती है कि छोका ये असली डोनट नहीं है। तो मैंने बोला असली डोनट क्या होता है, तो बोलती है जो राउंड वाला होता है एंड उसके ऊपर रेड ब्लू कलर के स्पार्कल्स रहते हैं या फिर चॉकलेट वाला रहता है। तो मैंने बोला वो तो किसी अच्छे बेकरी में मिलेगा एंड ज़्यादातर बेकरी आई गेस स्टार्ट नहीं है। तो फिर मैंने तनु से बात की बिकॉज बेकिंग डिपार्टमेंट उसका है एंड हमने ऑलरेडी एक मेन चैनल पे हेल्दी डोनट का वीडियो बना के रखा है। तो मैंने तनु को बोला तनु एक बार अच्छे से डोनट्स बनाते हैं जैसे रेस्टोरेंट में मिलता है ना, बहुत अच्छे वाले स्पार्कल्स वाले एंड साथ ही में चॉकलेट सिरप वाले। तो उसने बोला बना देना बहुत ईजी है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है डोनट। तो अगर आप लोगों को भी क्रेविंग हो रही है तो ईजीएस्ट रेसिपी है डोनट बनाने का, आप घर पे ही बना सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं डोनट बनाना। सो गाइस जल्दी से आप लोग इंग्रेडिएंट लिस्ट नोट डाउन कर दीजिए, एज तनु अपना फेस नहीं दिखा रही आज, लेकिन बताएगी जरूर कि इंग्रेडिएंट में क्या क्या है। वैसे तनु तेरा जो वैक्स वाला वीडियो है वो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया हुआ है, तो थैंक्स अ लॉट। इन फ्यूचर जब हम लोग फिर से वैक्स का वीडियो बनाएंगे तो आपको फिर से शूट करके जरूर दिखाएंगे। तो तनु जल्दी से इंग्रेडिएंट लिस्ट बता दे। तो सबसे पहले हमको चाहिए 2 कप्स मैदा, 3/4 कप मिल्क, 2 टीस्पून ऑयल, 1/4 टीस्पून सॉल्ट, 3 टेबलस्पून पाउडर्ड शुगर एंड 2 टीस्पून ईस्ट। ल्यूकवॉर्म मिल्क लिया हमने एंड उसमें मैं डालूँगी हमारा शुगर पाउडर एंड ईस्ट एंड इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। वैसे गाइस जो नॉर्मल ईस्ट रहता है वो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, बट अभी अवेलेबल नहीं था इसलिए हम लोग ड्राई ईस्ट से ही काम चला रहे हैं एंड ये भी काम चल जाता है। इसको मैं एक बर्तन से ढक के 15 मिनट्स रखूँगी राइज होने को एंड उसके बाद अब गाइस हम लोग डो बनाएंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा ईस्ट बहुत अच्छे से राइज हुआ है ड्राई ईस्ट होने के बावजूद। तो मैं पहले हमारा फ्लावर ले रही हूँ, मैं इसमें हमने जो सॉल्ट लिया है 1/4 टीस्पून वो मिक्स करूँगी, ऑयल लिया है हमने 2 टीस्पून वो मैं ऐड कर रही हूँ एंड इसको एक मिक्स दूंगी मैं। इसके बाद जो हमारा मिल्क एंड ईस्ट का मिक्सचर है मैं उसको एक विस्क दे रही हूँ एंड मैं उसको डायरेक्ट अपने फ्लावर में मिक्स करूँगी। हमको हमारा डो ऑलमोस्ट 7 to 8 मिनट्स अच्छे से नीड करना है एंड फिर इसको रेस्ट करेंगे। थोड़ा सा वाटर ऐड कर रही हूँ मैं इसमें, थोड़ा सा डो को गीला रखिएगा एंड देन उसको अच्छे से नीड कीजिएगा। हमारा डो नीड हो चुका है, आपको पता चल जाएगा कब नीड हुआ है अगर आप प्रेस करेंगे और आपका डो वापस आ रहा है, मतलब आपका डो प्रॉपरली नीड हो चुका है। तो अब इसको मैं थोड़ा सा ऑयल ब्रश कर रही हूँ, ऑयल ब्रश करके हम इसको गीले कपड़े से ढक देंगे एंड इसको ऑलमोस्ट 1 आवर राइस करने के लिए छोड़ देंगे किसी गर्म प्लेस पर। तो हम हमारा क्रीम ले रहे हैं, क्रीम को हमको वार्म करना है, बॉईल नहीं करना है। वार्म करने के बाद हम हमारे क्रीम में चॉकलेट ऐड करेंगे एंड इसको हमको एकदम धीमी आंच पे चलाना है जब तक हमारा पूरा चॉकलेट क्रीम के साथ मिक्स ना हो जाए। हमारा गनाश बन चुका है, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया, इसको हम कूल करेंगे अच्छे से एंड हमारे नेक्स्ट रेसिपी वेनीला कस्टर्ड की तरफ बढ़ेंगे। तो हमने लिया हुआ है कोल्ड मिल्क, इसमें ही हम पहले हमारे कस्टर्ड पाउडर को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। जैसे हमारा कस्टर्ड पाउडर अच्छे से मिक्स हो जाएगा हमको फ्लेम ऑन करना है, मीडियम फ्लेम पे हम इसमें अभी शुगर मिक्स करेंगे एंड जब तक ये गाढ़ा नहीं होता हम इसको मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे अच्छे से। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा वेनिला एसेंस एंड इसको जब तक ये अच्छे से गाढ़ा नहीं हो जा रहा हम कुक करेंगे इसको। तो आप देख सकते हैं हमारा डो बहुत अच्छे से फूल गया है, तो हम इसको निकालेंगे बाहर, इसको हमको थोड़ा सा नीड करना है। मैं ले रही हूँ थोड़ा सा मैदा, मैं उसको डस्ट कर ले रही हूँ। मैंने 1 सेंटीमीटर की थिकनेस रखी हुई है, मैं इसको कुकी कटर की हेल्प से कट कर ले रही हूँ।
बचे हुए डो का फिर से हम लोग नीड करके बना लेंगे। अब जैसे हमारे डोनट्स बहुत ही छोटे हैं तो मैं हाथ से बीच में एक सर्कुलर होल बना ले रही हूँ। अगर आपके डोनट्स आप बड़े कट कर रहे हैं तो आप नॉर्मल कटर यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। अब जब आपके सारे होल्स बन जाए डोनट्स में, आप इसको फिर से रेस्ट देंगे फॉर अबाउट 20 मिनट्स। उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा डोनट फूल के रेडी है, तो इसको हमको फ्राई करना है लो फ्लेम पे। और एकदम ही लो फ्लेम पे इसको फ्राई कीजिएगा। मैंने डोनट ग्लेस करने के लिए दो टाइप का चॉकलेट लिया, डार्क एंड मिल्क। आप वाइट भी ले सकते हैं। एंड इसको मैं माइक्रोवेव में 30 सेकेंड्स के बर्स्ट शॉट में इसको मैं मेल्ट करूँगी। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप इसको डबल बॉयलर करके गैस पे भी मेल्ट कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो थोड़ा सा मेल्ट हुआ है, तो ऐसे 30 सेकेंड के बर्स्ट शॉट्स में 30 सेकेंड आपको मेल्ट करना है। एक बार उसको स्टर करना है एंड देन फिर से 30 सेकेंड के लिए उसको माइक्रोवेव करके ऐसे करते रहिए जब तक वो पूरी तरीके से मेल्ट नहीं हो जाता। तो मैं अपने डोनट्स ले रही हूँ, इनमें मैं एक कोई भी प्लास्टिक का मैंने एक लिया हुआ है एक स्टिक, तो आप इससे इसमें होल कीजिए ताकि हमने जो फिलिंग बनाया हम उसको उसमें पाइप कर सके। तो मैं ले रही हूँ, उसको थोड़ा होल कर रही हूँ साइड साइड में। मेरे पाइपिंग बैग में हमारा फिलिंग डाल लिया हुआ है, तो मैं इसको डायरेक्ट हमने जहाँ होल किया था मैं उसमें डाल के इसको पाइप कर दूंगी। ये हमारा कस्टर्ड फिलिंग वाला पाइपिंग है, तो इसको भी मैं पाइप कर रही हूँ। करके बताओ डोनट्स कैसे लग रहे हैं? मुझे खाने का सबर नहीं हो रहा। अच्छा, खाओ जल्दी से। कैसा बना? वाव, बहुत ही अच्छा बना है। बेकरी से कुछ ज्यादा ही यम्मी बना है। तो गाइस शाम से मैं और तनु बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, तनु ज़्यादा मेहनत कर रही थी और मैं भी शूट कर रहा था प्रॉपर तरीके से, तो ये तो बहुत अमेजिंग बने और ऐसा लग रहा है कि मैं डंकिन डोनेट का डोनेट खा रहा हूँ। एंड काया को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो आप लोग भी ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा एंड कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा बना। एनीवेज वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू डिड देन प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। पीस।